आज हमारा जो रेमेडीज है एक ऐसा डीआईवाई बनने वाला है जो आपके हेयर को हेल्दी बनाएगा, शाइनी बनाएगा और साथ साथ में ऐसा हेयर ग्रोथ होगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। रियली बिलीव मी, ऐसा आज हम एक ओवरनाइट रेमेडीज बनाने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आपके ड्राई हेयर हैं, अगर आपको हेयर फॉल हो रहे हैं, आपके हेयर थीन हेयर है, तो वहां सब जगह आपको ये चीज काम आने वाली है। और आज मैंने जो एक इंग्रेडिएंट्स यूज किया है ना, एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मैंने यूज किया है जो मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया है। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा गिव अवे भी चल रहा है, तो गिव अवे में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप डीआईवाई चीजों में बिलीव करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे ब्यूटीफुल प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का हमारा जो रेमेडीज है ना, उसके पहले मैं आपको बेनिफिट बता दूं, फिर उसके बाद रेमेडीज को हम बनाएंगे, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। वैसे रिजल्ट तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरे हेयर में, और यहाँ पे आगे भी दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हो कि कितने छोटे छोटे हेयर मेरे आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये रेमेडीज को मैंने एक वीक यूज किया है, एक वीक में मुझे रिजल्ट मिला है, मेरे हेयर रीग्रोथ भी हुए हैं, इतना अमेजिंग है ये। और इसके अंदर मैंने एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज किया है जो मैंने आज तक कभी कोई वीडियो में यूज नहीं किया है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पे ये जो रेमेडीज बनने वाली है ना, यहाँ पे ये हमें लगानी है ओवरनाइट, इसको हमें ओवरनाइट अप्लाई करके रख देना है। तो आपको ओवरनाइट रखोगे ना तो आपको रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। आपको पता ही है कि नाइट में हमारी बॉडी रिपेयर मोड में रहती है, और उस टाइम पे हम अगर इतना अच्छा सीरम या फिर इतना अच्छा रेमेडीज अपने हेयर में अप्लाई करते हैं तो आप समझ सकते हो कि उसका रिजल्ट कितना अच्छा मिल सकता है। तो यहाँ पे पूरे दिन में आप कभी भी लगा सकते हो, बस इसको लगा के फिर इसको छोड़ देना है, फिर दूसरे दिन सुबह आपको हेयर वॉश करना है, क्योंकि इसको एक 24 आवर्स आपको अपने हेयर में इसको रखना जरूरी है, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और प्लीज गाइस बिलीव मी, ये रियली आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे इंस्टेंट आपको बेनिफिट मिलेगा ड्राइनेस से, आपको ड्राइनेस इंस्टेंट रिमूव होने वाला है, इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा, यहाँ पे ये रेगुलर करोगे, फर्स्ट आपका ड्राइनेस रिमूव होगा, सेकंड आपका हेयर फॉल स्टॉप होगा, और थर्ड आपके हेयर रीग्रोथ होना शुरू होंगे और आपके हेयर ग्रोथ होंगे, और लास्ट में आपके हेयर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आपके थिन हेयर को थिक हेयर में कन्वर्ट करेगा। तो इतने सारे बेनिफिट से गाइस जरूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे 2-स्टेप मेथड होने वाला है और यहाँ पे 2 हम रेमेडीज यूज करने वाले हैं इसके लिए। तो यहाँ पे एक अलग ही इंग्रेडिएंट्स हम यूज करने वाले हैं, और ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना, इसका खर्चा बोले तो बहुत ही नॉमिनल है, आप 2 रुपीज में हो जाएगा, 2 रुपीज में ये रेमेडीज होने वाला है, इतना सस्ता है लेकिन इफेक्टिव बहुत है। तो आप रिजल्ट के मामले में देखो तो बहुत एक्सपेंसिव है, और कॉस्ट के मामले में देखो तो नो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट है। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। सो चलिए गाइस रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम रेमेडी शुरू करने के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो है यहाँ पे वाटर। तो यहाँ पे 2 ग्लास मैंने ड्रिंकिंग वाटर लिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑलवेज ड्रिंकिंग वाटर ही लीजिए। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आएगा, यहाँ पे मैंने लिया है लेमन ग्रास। गाइस आपको पता नहीं होगा, लेमन ग्रास इतना बेनिफिशियल होता है हमारे हेयर के लिए, ये स्पेशली हमारे हेयर को ग्रोथ देने में, हेयर फॉल को स्टॉप करने में, साथ साथ में हमारे स्कैल्प में जो ऑयल आ जाता है उसको कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है गाइस। तो यहाँ पे इसको हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको बॉयल करना है, तो जैसे ही आप बॉयल करोगे इसका कलर चेंज होता जाएगा, तो आप देख सकते हो कि पानी का पूरा कलर चेंज हो गया है। तो अभी यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे, तो यहाँ पे ये ठंडा हो जाए, उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो स्ट्रेन करने के बाद हम इसको कोई भी ग्लास में हम इसको स्ट्रेन करके ले लेंगे। तो यहाँ पे अभी इसमें से हम 2 रेमेडीज बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ओवरनाइट हेयर मास्क बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। तो 1 स्पून अराउंड यहाँ पे हमें कोकोनट ऑयल लेना है, और कोकोनट ऑयल के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो हमारे हेयर को ग्रोथ देने में और हेयर को
सॉफ्ट स्मूथ सिल्की शाइनी बनाने में भी ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। तो यहाँ पे मैंने जो भी ऑयल लिए हैं ये मैरिट विको के ऑयल है। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो 1 स्पून अराउंड यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है। ऑलिव ऑयल भी आपके हेयर को ग्रोथ देने में, हेयर फॉल को स्टॉप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने जो ये मटेरियल बनाया हुआ था लेमन ग्रास का, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपके हेयर की लेंथ के हिसाब से और आपके हेयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे हम ये मास्क रेडी करेंगे। तो अराउंड यहाँ पे मैंने 5 स्पून ये मटेरियल ऐड किया इसके अंदर। तो अभी यहाँ पे जो दूसरा मटेरियल बचा हुआ है उसके हम दूसरी रेमेडीज बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम इस मास्क को अप्लाई करेंगे अपने हेयर में। तो यहाँ पे अभी इसको हम अप्लाई करेंगे अपने हेयर में। तो अभी ये मास्क हम अपने हेयर में अप्लाई करेंगे। तो कॉटन के हेल्प से हमें इस मास्क को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले टेंगल फ्री कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने हेयर में, पूरे हेयर में लगाना है। पहले आपको स्कैल्प में लगाना है, फिर उसके बाद आपको पूरा टॉप टू बॉटम इस मास्क को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, और बीच बीच में इससे मसाज भी करना है ताकि अच्छे से ये मास्क डीपली हमारे हेयर के रूट तक जाए, क्योंकि ये हमारे रूट को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ साथ में हेयर फॉल को इंस्टेंट स्टॉप करता है और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे कॉम करने के बाद यहाँ पे पोनी जो भी आप बनाते हो बना लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ओवरनाइट इस मास्क को छोड़ देना है, क्योंकि ये ओवरनाइट रखोगे तो ये मास्क का जो रिजल्ट आएगा ना, आप बिलीव नहीं करोगे गाइज, इतना 1 वॉश में आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे इसको ओवरनाइट हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद दूसरे दिन सुबह हमें हेयर वॉश करना है। तो हेयर वॉश करने के बाद यहाँ पे हमारा जो ये बचा हुआ वाटर है उससे हम अपने हेयर को रिंस करेंगे। तो उसका जो रिजल्ट आएगा गाइज, बहुत ही अनबिलीवेबल रिजल्ट आएगा आपको। और वॉश करने के बाद आपको दिखा रही हूँ, अभी मेरे हेयर सेमी ड्राई हुए थे तो मैं आपको सोचा कि आपको रिजल्ट दिखा दूँ कि कैसा लग रहा है। और यहाँ पे एक एक बाल इतना अच्छा से पूरा खुल चुका है, और ये आपके ग्रोथ भी देगा आपके हेयर में, मेरे हेयर में आप वॉल्यूम देख सकते हो। तो आपने रेमेडीज पूरा बना लिया और देख भी लिया रिजल्ट कैसा आया है आफ्टर हेयर वॉश। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो रेमेडीज आप यूज करोगे ना, बहुत बहुत अच्छा फील करने वाले हो, और आपको लगेगा कि नहीं मिनल, हमने आज तक ऐसा कोई रेमेडीज यूज नहीं किया था, क्योंकि ये बालों पे इतना अच्छा इफेक्ट देता है ओनली 1 वॉश में। तो 1 वॉश में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक रेमेडी से 2 स्टेप आपके होने वाले हैं। यहाँ पे सबको टाइम बहुत कम रहता है, और वहां पे हमें कुछ फास्ट रिजल्ट चाहिए, पे हमें फास्ट रिजल्ट वाली कोई रेमेडीज चाहिए, तो ये रेमेडीज आपको बहुत काम आने वाली है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर गिवअवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे रेमेडीज को यूज करना है और आपको पिक्चर सेंड करने हैं, और दूसरा मेरा और ब्यूटी केयर और ब्यूटीफिक दोनों को आपको फॉलो करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।